नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसका नाम है OMG 2। और ये मूवी आपको किसी ओटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। OMG 2 एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की बेस्ट मुक्तक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अमित रॉय ने लिखा और निर्देशित किया है। ये अमेजम और माय गॉड्स के आत्महत्या सीक्वल है। 2012 की फिल्म अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम है। ये फिल्म भारतीय स्कूलों में यौन शिक्षा के बाद प्रस्तुत विषय के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली अमेजोन की 2 अगस्त भावनाओं शिव के कट्टर भक्त कांति शरण मुल्लर की कहानी। एक शरणार्थ आदमी, एक प्यार करने वाला पिता और एक देखभाल करने वाला पति, एक दिन उनके बेटे विवेक पर अनैतिक शरणार्थ का आरोप लगाया जाता है। जैसे ही स्कूल में निकाल दिया जाता है, टकराव होने पर कांति एक एहसास हुआ कि उनका बेटा गलत सूचना और गुमराह का शिकार हो गया है। देखी दुखी होकर और संकेत को संभालने की असमर्थ कांति अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने के फैसला करते। अब तक कि कैसे दिव्य हस्तक्षेप नहीं मिलता है उसे सच्चाई के और ले जाता है। फिर कांति ने सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अदालत में घसीटने का फैसला किया। भावना और शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंजुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंहेश्वरी के रूप में अमित गौतम, यशपुरोत्पर्श और नागर के रूप में पवन मल्होत्रा, सुनाजी के रूप में गोविंद मामदेव और गोविल, प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे। लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी। और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास से संगीत ने तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डिजिटल शिखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। संदेश में पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र, जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था, को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील सिनेमा हो जाएगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी रिकॉर्ड के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 से 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगता मनो उत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द वेग अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों के जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश में विष्णु सहस्र सुंदरम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय
जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन के तहत प्रभावित नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी, महादेव महादेवन, ब्रह्मो हुसैन महादेवन, शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुपर त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी, स्वरूप से उनके शिव के प्रति और सर्व श्रद्धा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा में लक्ष्मी होनी है महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सरस्वता उनके कंपर आठ अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण गुरुओं के प्रदर्शन संस्करण में ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तुफाना जाता है और वे शिव के संबंध सुपन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। मैं पूनम के गायन क्लिक भेजकर और परिवार के महीनों के अति कहानी कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डॉलर तय करते हैं जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटराव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा अतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद फीचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे उससे से ही भीड़ उसे बेहरमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। गदित तारा की असली महत्वाकांक्षाओं एक गायिका बनने की है जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा। उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की बी और उसने साथ रहने का अनुरोध करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल में जयदीप और परमजीत अपने बेटियों को दो पाउच देते हैं।
जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहां जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू जी को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमले कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के द्वारा उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी और अमृतसर स्टेशन पहुंचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ बसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंडल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंहेश्वरी के रूप में अमित गौतम, पुनोत्पर्ष और नागर के रूप में पवन कुमार उत्तरा, शिवनाजी के रूप में गोविंद मंदिर और गोविंद प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में हुआ है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंत्र कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डिजिटल स्ट्रीम प्रयास संदेश ने तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डिजिटल शेखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। संदेश पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक 2021 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंध के स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म में कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकिन पोजिशन संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव निशान कब्बे के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जुड़ता मनोपातक विभिन्नता है। सामान्य सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को मान सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकारियों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूप के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच्छ संरजन की तहत प्रहार नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ नीलकंठ, सुप्र त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी, सर्व शरण के शिव के पति और सर्व श्रद्धा के उनके विशुद्ध महादेव, महान देवता महा में प्रलक्ष्मी ध्वनि महान और देव भगवान महेश्वर, महान भगवान महा
महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता मध्यकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव संस्कृता उनके कंपर आठ अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की इस पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए गए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध से पन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत और परम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। ये पूनम के गायन क्लिक भेजकर और परिवार के महीनों के अति कहने कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन को नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं जिनमें जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार होने खुद को चटर्जी परिवार का फिर बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे उत्तर करते हैं जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटुराव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम का मानने की कोशिश करता है जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते हैं। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर लिखा गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के धर्मेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाए गए थे। दिल मुश्किल के बाद जब फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने और उसकी रक्षा करने क्योंकि वो भीड़ में रख हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे उससे से ही भीड़ उसे बेहरमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दधीत तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होने एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहेंगे ना असली संगीत शिक्षिका नहीं उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम दृश्य को पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा उपहार रूप में ताजमहल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की भी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्प में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो दोपहर पाउच देते हैं। बुलाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में पड़
मौजूद कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। ताला की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के द्वारा उन्हें मार देते हैं। इंडियो और शिवो के शवों के भारी ट्रेल के अभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंहेश्वरी के रूप में अमी गौतम, जसपुरोत्पर्श और नागर के रूप में पवन कमलोत्रा, सोनाजी के रूप में गोविंद मंदिर और गोविंद प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में हुआ है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था जबकि अरुण गोविंद नवंबर 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल 2 दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, शंकरराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास संदेश इन्हें तैयार किया गया जबकि गीत कबीर शुक्ला, शंकरराज रघुवंशी, डीजे डिजिटल शेखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। संदेश पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील सुनवाई हो जाएगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन पर अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण उन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगों दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक ध्रुव के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जीवता मनो उत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते। संस्कृत अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इकाइयों के शब्दों के जैसे मन और प्रस्ताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु को जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच संरजन की तहत प्रभाव नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ तीलकंठ सुख त्रिलोचन, तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के पति अवसर शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव, महान देवता महालक्ष्मी होनी महान और देव भगवान महेश्वर, महान भगवान महान और ईश्वर महाभगवान
और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता मध्यकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव विशेषता उनके कंपर आठ अलग अलग संस्करण की शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण गुरुवंश प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है जो महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है। शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध संपन्न ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। ये पूनम के गायन क्लिक भेकर और परिवार के महीनों को अति कहानी कोशिश करते हैं जिसमें धन लक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा इनका अपहास भी महसूस होता है। रॉकी के दोस्त विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाते हैं। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डॉलर उत्तरकंड जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो इसके बाद होने वाले चटुआ के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजते हैं और जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म की घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की फिल्म कहानी पर लिखा गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद फीचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने और उसकी रक्षा करने क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूरने की सफल रही थे। उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ पर खून बिंदुर लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है जहाँ सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जिसने एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा। उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों को उदास हो गए थे क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की भी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीर अपनी बेटियों को दो प्यार पाउ देते हैं। हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं जहां जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। एक समय बाद बहुत मुस्लिम भीड़ हिंदू सिखों शरणार्थियों के भरी ट्रेन में परहमल कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेन कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँच
पहुंचते हैं तारा, जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। देख उनके सरदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को सरल मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंहेश्वरी के रूप में अमी गौतम, जसपुरश और नागर के रूप में पवन कुमार लोत्रा, सुना जी के रूप में गोविंद मंदेव, और गोविल प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, शंकरराज रघुवंशी, डिजिटल प्रयास संदेश ने तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, शंकरराज रघुवंशी, डिजिटल अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाले फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुँचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील से हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिस्वंद भावजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्श सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का ऋग्वेद 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित को अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव महाकाव्यों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विजित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जीवता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु को जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंडा के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रखंड नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन कंठ, तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी, स्वरूप शरण के शिव के प्रति अवसर शब्द के उनके प्रसिद्ध महादेव महादेवता महा लक्ष्मी होनी इन्हे महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्र महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार
मंदिर जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तुफाना जाता है और वे शिव के संबंध से ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत और परम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के गायन क्लिक भेजकर और परिवार के महीनों के अतीक वाणी कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार होने खुद को चटर्जी परिवार का फ्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे उत्तर करते जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटुआ को दौरान रानी गुप्त से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं जिसमें रॉकी नाराज हो जाते और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया दमदबा ने घर पर वहाँ उसके दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजते हैं जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म की घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चीचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए फिर अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थी उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून भिंदू लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दलित तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जैसे एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपने गायक कौशल को सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका ने उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की भी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है। अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल में जयदीप और परमजीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउ देते हैं। बड़ा जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में पड़ कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदिर के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंह के रूप में
अनिल गौतम राजपुरोत्पर्ष और नागर के रूप में, पवन मल्होत्रा सुनाजी के रूप में, गोविंद मंदिर और गोविंद सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में हुआ है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी। इसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में दंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी। और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, विजय स्ट्रीम, प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजी डिजिटल, शेखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। संदीप सिंह पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म में कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिस्वंद प्रावजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ में रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगों के दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जज्ञा शिव के रूप में जितवा और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगवाता मनोपातक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते। संस्कृत शब्द अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों के जैसे मन और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ, सुप्रण, त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी, स्वरूप शरण के शिव के पति और सर्व शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव, महान देवता महा में प्रलक्ष्मी होनी है महान और देव भगवान महेश्वर, महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करता है। शिव के पास दशा शस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए गए जाते हैं। शिव रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध से पन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत और परम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रीलंका में पाई जाती है। पूनम के गायन क्लिक भेकर और
परिवार के महीनों के अति कहानी कोशिश करते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा इनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं। वो चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोलारे तो करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटराव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया और दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा प्रतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने, क्योंकि वो भीड़ में रख हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूजने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। प्रतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जिसने एक संगीत शो में जगह दिलाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकरण में जयदीप और परमजीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउच देते हैं। बुलवाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहां जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं, ट्रेन में पड़ जाते हैं। समय बाद बहुत मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में प्रहमण कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के द्वारा उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल के भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार करने होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को सरन मंडल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंह के रूप में
अमी गौतम जसपुरोत्पर्ष और नागार के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सुनाजी के रूप में, गोविंद ममदेव और गोविल सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में ब्रजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजे डिस्ट्री शेखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का ट्वीटर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील सिनेमा हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेष रूप में रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिम्मेवता मनो उत्पादक विमुखता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को मान सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्द के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच संरजन की तहत प्रभाव नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ सुप्रभ, त्रिलोचन कंठ, तीन काली का स्वामी और ग्रीनीश्वर करुणा के स्वामी सर्व शर्म के शिव के प्रति अवसर शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा में प्रलक्ष्मी होनी इन्हें महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्र का महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके क्रम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूचित है। महाभारत की इस पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंधित सुपर्ण ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के
गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति के होने कोशिश करते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोलारे तो करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटराव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। दंदवा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम का मानने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और जमीली उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते हैं। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म की घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है, क्योंकि वो भीड़ में रख हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की भरफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जिसने एक संगीत शो में जगह दिलाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह धर्मवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउ देते हैं। बुरवाए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। एक समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमला कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपनी हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। के दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी श्री रामेश्वरी के रूप में
अमी गौतम जसपुरोत्पर्ष और नागर के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सोनाजी के रूप में, गोविंद मामदेव और गोविल सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में हुआ है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में की बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे। लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डिजिटल स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डिजिटल शिखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादित 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्गत सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेके पोजिशन संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द व्यक्ति अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्द की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांश को जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत व्यवहार नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी, स्वर्व शरण के शिव के प्रति और सर्व श्रद्धा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महालक्ष्मी होनी इमे महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूचित है। महाभारत की पुस्तक 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशा शस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध सुपन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। ये पूनम के गायन क्लिक भेजकर और
परिवार के महीनों के अति कहलोतर वाली कोशिश करते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन को नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं और चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला उत्तर करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटकाव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया। दंदवा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम कमाने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की फिल्म कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के धर्मेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचा फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेहरमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदू लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दलित तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने की उन्होंने एहसास होना जैसे एक संगीत शो में जगह दिलाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल को सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका ने उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो दोपहर पाउ देते हैं। बरवाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहां जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में पड़ जाते हैं। एक समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू सिखों शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमला कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के सबों के भारी ट्रेल कभी भी और अमृतसर स्टेशन पहुंचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंह के रूप में
अमी गौतम जज पुनरुत्पर्श और नागर के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सुना जी के रूप में, गोविंद मामदेव अरुण गोविल प्रिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डिजिटल स्ट्रीम प्रयास संदेश ने तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डिजिटल शेखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म में कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील से हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिव्यांग दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिम्मेता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इकाइयों के शब्द के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंडम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत में प्रभावित नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ, सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी, स्वर्व शरण के शिव के पति और सर्व शब्दा के उनके प्रसिद्ध महादेव, महान देवता में परलक्ष्मी होनी इम्हे महान और देव भगवान, महेश्वर महान भगवान, महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान, स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है, जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंधित सुपन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के
गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति की कोशिश करते हैं, जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देती है। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डॉलर नृत्य करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटकाव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया और दमदबा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और जमीन उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते हैं। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म की घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर लिखा गया था। यह भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त सकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा और एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जैसे एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा। उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकूल में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउच देते हैं। बुलाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं और ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमले कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपनी हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी और अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। के दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी भीमेश्वरी के रूप में
अमी गौतम जस पुनरुत्पन्न नागर के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सोनाजी के रूप में, गोविंद मंदिर और गोविंद सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजल स्ट्रीम प्रयास संदेश ने तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजल शेखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म का अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म में कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील सिनेमा हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पोजिशन संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक ध्रुव के शिव सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंदा मनो उत्पादक विभिन्नता है। सामान्य सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लबाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ सुप्र त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी, सर्व शर्म के शिव के पति और सर्व शब्दा के उनके प्रसिद्ध महादेव, महान देवता महा में प्रलक्ष्मी होनी हे महान और देव भगवान, महेश्वर महान भगवान, महा महान और ईश्वर महा भगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान। स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव संस्कृता उनके कम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए गए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है, जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है।
और वे शिव के संबंध संपन्न ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत और परम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। ये पूनम के गायन क्लिक भेकर और परिवार के महीनों के अतीक की कोशिश करते हैं, जिसमें धन लक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोलारे उत्तर करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटकाव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और दमदबा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा प्रतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के धर्मेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन चूजने की सफल हो रही थी, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी सिख पत्नी बनाने की उसके साथ पर खून बिंदुर लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। प्रतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा और एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने की उन्होंने एहसास होना एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताजमहल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणबीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और इच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए निकलने समय जयदीप और परमवीर अपने बेटियों को दो दोपहर पाउच देते हैं। बुलाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहां जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद बहुत मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमल कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपनी हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी और अमृतसर स्टेशन पहुंचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंह के रूप में
अमी गौतम जो इस पुनर्वर्ष और नागर के रूप में पवन कुमार उत्तरा सुनाजी के रूप में गोविंद मंदिर और गोविंद सिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में दत्त कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजे डिस्ट्री शेखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। संदेश पहला एकल शीर्षक ऊंची वादित 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेके 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिव्यंगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जीवता मनो उत्पादक विभिन्नता का है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच संरजन की तहत में प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों के जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्र हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति उत्सर्ग शब्द के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा में परलक्ष्मी होनी इमे महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महा भगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूचित है। महाभारत की पुस्तक 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंधित सुपर्ण ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के
गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति के की कोशिश करते हैं, जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाते हैं। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डॉलर तो करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटुआ के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। दंदवा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम का मानने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है, जैसा होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म की घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते। दिल मुश्किल के बाद चिंचल फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है, क्योंकि वो भीड़ में रख हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूरने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदुर लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दलित तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने की उन्होंने एहसास उन्होंने एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल को सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और अमृत सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता बहनें इसमें सहमत नहीं है। अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। सेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाव देते हैं। बरवाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। उस समय बाद बहुत मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में पड़ कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी और अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी भीमेश्वरी के रूप में
अमी गौतम जस पुनरुत्पन्न नागर के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सुना जी के रूप में, गोविंद मामदेव और गोविंद सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि यह फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजल स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजी शेखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का रिबेक 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंजवाता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु सर्व के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्द के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत में प्रभावित नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंडा के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुप्रभ त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति अवसर शब्द के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता में परलक्ष्मी होनी है महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंधित संपन्न ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के
गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति की कोशिश करते हैं, जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देती है। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे तो करते, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटकाव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा प्रतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के धर्मेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिल्चर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त रकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने है, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूरने की सफल रही थी, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ पर खून बिंदुर लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दलित तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहाँ सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जिसमें एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहेगी ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगर के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकलन में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउच देते हैं। बरवाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में प्रभुमल कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुंचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी भीमेश्वरी के रूप में
अमी गौतम जसपुरोत्पर्ष और नागर के रूप में, पवन कुमार उत्तरा सुनाजी के रूप में, गोविंद मामदेव और गोविंद सिंसिपल के रूप में, डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह थी कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी, और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकर के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजल स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजीडीखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणत बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केबल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिव्यय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुँचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जा रहा था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील समय हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पोजिशन संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगों के दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगता मुनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु सर्व के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रथाओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूड के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच संरजन की तहत प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन सम्मोह हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्र हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी, स्वरूप शरण के शिव के पति और शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव, महान देवता महा में प्रलक्ष्मी होनी है महान और देव भगवान, महेश्वर महान भगवान, महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान। स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता के कम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करता है। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए गए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है, जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध सुपर्ण ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। नेपुलम के गायन क्लिक भेकर और
परिवार के महीनों के अधिक उतरवानी कोशिश करते हैं, जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं। वो चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोलारे तो करते हैं, जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटकाव के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया। दमदमा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम का मानने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी ऐसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा अतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाए जाते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त सकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने है और उसकी रक्षा करने, क्योंकि वो भीड़ में खो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने समय तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दतीत तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना जिसने एक संगीत शो में जगह दिलाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल का सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका नहीं, उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देंगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा, उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की, बी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है और अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्प में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउच देते हैं। बरवाए हुए जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में प्रहमल कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपनी हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेन कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी भीमेश्वरी के रूप में अमी गौतम, जसपुरोत्पर्श और नागर के रूप में पवन कमलोत्रा, सोनाजी के रूप में गोविंद मामदेव और गोविल सिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ
AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जनवरी 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजे डिस्ट्री, शेखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादी 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक 2021 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। फिल्म का ट्विटर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और ए केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिनय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। निर्माताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील सीमा हो जाएंगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंजवाता मुनो उत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रथाओं के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदरम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तच संरजन की तहत प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रखंड नीलकंठ सुप्रम, त्रिलोचन तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी सर्व शर्म के शिव के प्रति सर्व शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा में प्रलक्ष्मी होनी है महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महा भगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूचित है। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध से पूर्ण ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। पूनम के गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति के वाणी कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगते और इसमें प्रतिसत्तात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार के प्रिय बना लेते हैं। वो चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दिन का पूजा समारोह रॉकी और चंदन एक साथ डोला
तय कर दे जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं और वो उसके बाद होने वाले चटुआ के दौरान रानी गुप्ते से आकर तिजोरी को धक्का देते हैं जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया। दंदवा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया लेकिन कुछ ही समय बाद अपने मृत्यु हो गई और उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते हैं। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है और जैसा अतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त सकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि कर रही है भीड़ को बचाने और उसकी रक्षा करने क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून बिंदु लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। तो तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होने एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल को सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका ने उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देगी। तारा अपने प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पर पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की भी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के लेकिन तारा के माता पिता और बहनें इसमें सहमत नहीं है। अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो दोपहर पाउच देते हैं। बड़ा जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद बहुत मुस्लिम भीड़ हिंदू जी को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में हमला कर देते हैं। लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेल को भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदुओं और सिखों ने पूरे पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी कामिनीश्वरी के रूप में अमित गौतम पुरोत्पर्श और नागर के रूप में पवन कुमार उत्तरा सोनाजी के रूप में गोविंद मंदिर और गोविंद प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह है कि यह फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन राव ने इन खबरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सिक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम ने अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था जबकि अरुण गोविंद जन्म 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में
फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, संतराज रघुवंशी, डीजे स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, संतराज रघुवंशी, डीजे डिस्ट्री शिखम अविस्त, गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे संदेश। पहला एकल शीर्षक ऊंची ऊंची बाधित 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल दर्शकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिप्राय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना असंबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुँचता है। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जाता था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसके अपील संयोग हो जाएंगी। उन्होंने यूए बाहर वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण उन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकर 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेष रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगों ने लिए विशेषों के शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकों के पुराणों के जज्ञा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिम्मेवता मनो उत्पादक विज्ञता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द व्यक्ति अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मन और प्रताओं के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु को जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश में विष्णु सहस्र सुंदरम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शब्द व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों के जाना जाता है जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति अवसर शब्द के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महालक्ष्मी होनी इन्हें महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कंपर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करते हैं। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध से पन ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रृंखला में पाई जाती है। ये पूनम के गायन क्लिक भेड़कर और परिवार के महीनों के अतिकानी कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं और चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह रॉकी और चंदन एक साथ डोला डोला तय करते जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं।
और वो उसके बाद होने वाले चटकार के दौरान रानी गुप्ते सागर से जोड़ी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाते हैं और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया। दंडवा ने घर पर बहस के दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया कि लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपने मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है, जैसा प्रतीत होता है कि वो उसे परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्थिर नहीं होते हैं। फिल्म का घोषणा 6 जुलाई 2021 को निर्देशक करण जौहर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर रुका गया था। ये भी घोषणा की गई थी कि मुख्य कलाकारों के भूपेंद्र जया बच्चन और शबान आजमी शामिल है, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। दिल मुश्किल के बाद चिंचर फिल्म के निर्देशक में जौहर की वापसी हुई है। उन्होंने फिल्म का काम करने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त सकीना के उनके साथ के छोटे ताज के बाद रुक जाता है। तारा उसे छवि रही है भीड़ को बचाने और उसकी रक्षा करने, क्योंकि वो भीड़ में रख हो जाते हैं। बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चूझने की सफल रही थे, उससे से ही भीड़ उसे बेरहमी से मारने का प्रयास करते हैं। तारा सिंह सकीना को उनकी मुसीक पत्नी बनाने की उसके साथ है पर खून भिंदूर लगाकर लगातार उसका बचाव करता है। अपने घर वापस जाने से तारा और सकीना को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। दलित तारा की असली महत्वाकांक्षा एक गायिका बनने की है, जहां सकीना के दोस्त तारा को ये सोचकर मूर्ख बनाने के उन्होंने एहसास होना एक संगीत शो में जगह लाई। तारा सिंह शिक्षक सकीना द्वारा अभिनीत एक सामने बुरा प्रदर्शन अपनी गायक कौशल को सुरक्षित करने की मदद करते हैं। बाद में तारा को पता चलता है कि कहीं ना असली संगीत शिक्षिका ने उसके बहुत दुखी हो जाते हैं। संगीता शो में प्रदर्शन करते समय सकीना को घोषणा की गई कि वो अपना अभिनय नहीं करेंगे, बल्कि कॉलेज में सीनियर्स की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा को गगन के माफी मौका देगी। तारा अपनी प्रतिभा से अभी का प्रदर्शन करता है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय तारा ने सकीना को अलविदा कहा। उपहार रूप में ताज महल के एक प्राचीन वस्तु दी। बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह रणवीर सिंह और दो बहनों के उदास हो गए थे, क्योंकि विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे। तारा के मुस्लिम दोस्त ने परिवार से भी मुलाकात की भी और उसे अपने साथ रहने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों के समान रूप से प्यार करने के, लेकिन तारा के माता पिता बहनें इसमें सहमत नहीं है। अनिच्छा से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन के लिए अनुकल्स में जयदीप और परमवीत अपने बेटियों को दो प्यार पाउ देते हैं। बड़े जुड़वा बच्चे उनसे थैली के बारे में पूछते हैं, जहाँ जयदीप बताते हैं कि वो और उसके दोस्त मिलकर परिवार स्टेशन पहुँचते हैं। ट्रेन में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद वो मुस्लिम भीड़ हिंदू को शरणार्थियों के भरी ट्रेन में प्रहमण कर देते हैं, लोगों के खुद को बचाने के लिए भागने के, लेकिन भयानक तरीके से मारे जाते हैं। तारा की बहन जल्दबाजी से जहर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो आदमी उसे अपने हाथों से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों के भारी ट्रेन कभी भी अमृतसर स्टेशन पहुँचते हैं। तारा जो उन्हें हिंदुओं और सिखों के साथ स्टेशन पर आते से रिश्तेदारी के लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, देख उनके रिश्तेदार को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता था। क्रोधित होकर हिंदू और सिखों ने पूरी पंजाब में एक मजबूत रास्ता बनाया। तारा के साथ दसी तरह से पंजाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम का नरसंहार किया। दूत के रूप में अक्षय कुमार, कांति को शरण मंदुल के रूप में पंकज त्रिपाठी, कामिनी सिंहेश्वरी के रूप में अमी गौतम, जस प्रणोत्पर्श और नागर के रूप में पवन कुमार लोत्रा, सोनाजी के रूप में गोविंद मामदेव, अरुण गोविल प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर के रूप में विजेंद्र काला। शुरुआत में अफवाह के लिए ये फिल्म जनवरी 2021 में भी बनेगी, जिसमें पहले भाग में बाद अक्षय कुमार और परेश रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे, लेकिन राव ने इन घोरों का खंडन किया। जून 2021 में तंतत कुमार अभिनीत एक नई कहानी के साथ AMG के सीक्वल की पुष्टि की गई थी और इसी महीने पंकज त्रिपाठी और यमी गौतम में अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था, जबकि अरुण गोविंद जिन्होंने 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कोलकाता के शामिल हुए। त्रिपाठी ने 2 दिसंबर 2021 को मुंबई में
फिल्म का शेड्यूल शुरू किया। अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरा शेड्यूल सेट कर शामिल हुए। फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ। फिल्म का संगीत विक्रम मंतूज, शंकरराज रघुवंशी, डीजल स्ट्रीम प्रयास संदेश में तैयार किया गया, जबकि गीत कबीर शुक्ला, शंकरराज रघुवंशी, डीजी डिजिटल शेखम अविस्त गिनी दीवान और सुदेश ने लिखे। पहला एकल शीर्षक ऊंची वादित 28 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक हर हर महादेव 23 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में दिखाने वाली फिल्म के पोस्टर का पहला लुक अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 11 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म के पटकथा के 20 कटोरी और एक केवल घोषकों के लिए प्रमाण पत्र से सलाह दी, क्योंकि उन्होंने फिल्म के अभिप्राय माना जो यौन शिक्षा के संबंधित स्कूलों के ईश्वर धर्म के साथ साथ विवादग्रस्त होना और संबंधित दर्शकों की भावनाओं के ठेस पहुंचता। ये भी सुझाव दिया जाता है कि फिल्म ने कुमार का चरित्र जो शुरू में भगवान शिव का माना जा रहा था को बदलकर ईश्वर के दूत के बदला दिया गया। अभिनेताओं ने महसूस किया कि इसमें फिल्म का सार संग खराब हो जाएगा और इसकी अपील सिमर हो जाएगी। उन्होंने यूए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन और अप्रतिबंध सार्वजनिक प्रदर्शन प्रमाण पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित को अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने शाकंभर के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिन्हता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूड़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के 3 गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रहार नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भनो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रखंड नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिरीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति सर्व श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महालक्ष्मी होनी महान और देव भगवान महेश्वर महान भगवान महा महान और ईश्वर महाभगवान और परमेश्वर चतुर्भुज महाभगवान स्वतंत्रता महत्वकालीन भारतीय क्षेत्र में जिनके एक देवता पहलुओं को विश्वताप से प्राप्त हजारों नाम की सूचती है। शिव सहस्रता उनके कम पर 8 अलग अलग संस्करण के शक्ति भोजन स्रोत में शिव के कई नाम की सूची थे। महाभारत की पुस्तक के 13 अनुसरण प्रदर्शन संस्करण ऐसी एक सूची प्रदान करता है। शिव के पास दशाशस्त्र नामक 10,000 नाम भी है महापात्र में पाए जाते हैं। श्री रुद्रम चमत्कार जिसे सातदूती के नाम से भी जाना जाता है शिव का एक भक्ति भजन के है जिसमें उन्हें कई नामों से तूफाना जाता है और वे शिव के संबंध से पूर्ण ही धर्म का प्रमुख हिस्सा के जो भारत अपरम द्वीपों के जैसे भारत नेपाल श्रीलंका में पाई जाती है। ने पूनम के गायन क्लिक भेज कर और परिवार के महीनों के अति वाणी कोशिश करते हैं जिसमें धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती है। रॉकी का सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा उनका अपहास महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन का नृत्य प्रदर्शन सुझाव देते हैं। चंदन जब शानदार दर्शक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाता है। रॉकी माफी मांगते और उसमें प्रतिशतात्मक तरीकों से बदलने के लिए तैयार करने खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेते हैं। वो चंदन के नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेने शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डॉलर डॉलर उत्तर करते हैं जिसमें तिजोरी नाराज हो जाते हैं।
और वो उसके बाद होने वाले चटुआ के दौरान रानी गुप्ते सागर से जोड़ी को धक्का देते हैं, जिसमें रॉकी नाराज हो जाता है और रॉकी को ये अपमानजनक लगता है। जिन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने का फैसला किया दमदमा ने घर पर, वह उसके दौरान तिजोरी पूनम को मारने की कोशिश करता है। जब वो अपनी बात करने की कोशिश करता है, ये देखकर रॉकी पहली बार अपने पिता के खिलाफ खड़ा होते हैं और अपनी बहन को माँ के साथ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। कंबल के झगड़ा देखकर अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी मृत्यु हो गई और जमीनी उन्हें सम्मान देने आती है और धनलक्ष्मी के विरोध के बावजूद तिजोरी उसे ऐसा करने देते। कुछ महीने बाद तिजोरी एक बदला हुआ आदमी परिवार के माफ़ी मांगने के लिए चटर्जी परिवार का दौरा करते हैं और रॉकी को रानी के बीच शादी का प्रस्ताव रखता है। वो अंतर शादी कर लेते हैं। धनलक्ष्मी अपनी मिठाइयों की गुप्त रेशियो रानी के भेजती है, जैसा होता है कि वो उस परिवार को